सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज आए हुए हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम श्री शनमति इंटरप्राइजेस। तो आज यहाँ पर दो बाइक आई हुई है 2022 की न्यू एडिशन। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके फुल डिटेल रिव्यू बताऊंगा कि उसका एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या है हमारे गिरिडीह झारखंड में, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा शोरूम के अंदर और वो कौन सी बाइक है आपको दिखाते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये रही क्लासिक 350 न्यू बॉर्न न्यू जनरेशन 2022 मॉडल, जो कि आपके सामने अभी दो कलर में प्रेजेंट है, क्रोम रेड और ब्रॉन्ज, और दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। जब आप ये बाइक को शोरूम में आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो सिर्फ वीडियो में देखने से नहीं, जब आप शोरूम आके इसे देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसमें जो क्रोम का वर्क हुआ हुआ है वो दोनों जो कॉम्बिनेशन कलर का किया गया है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और फ्रंट से भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, फ्रंट में आपको हैलोजन सेटअप मिलता है विद टू पायरेट लैंप्स मिल जाते हैं गाइस, दो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि बल्ब में है। नीचे की ओर आपको एक बिग साइज सस्पेंशन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। उसके नीचे आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाता है जो कि है क्रोम रेड और गोल्डन कलर में, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा तो डिस्क जो कि पहले क्लासिक में आती थी लेफ्ट साइड में, अभी से राइट साइड में कर दिया गया है। पहले इसका जो साइज़ था वो था 280mm का, अभी से 300mm का कर दिया गया है। इसमें आपको डुअल ABS का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ वाइब्री के ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको, दो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। यहाँ पर आपको 100x90 का टायर साइज मिल जाता है, 19 के स्पोक रिम्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है डुअल चेसी का ऑप्शन गाइस। रेयर के बारे में बात करते हैं, तो रेयर में जो आपको सस्पेंशन मिलता है गाइस वो मिलता है ट्विन इमल्शन शॉक अब्जॉर्बर विथ 6-स्टेप एडजस्टेबल, और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा सारी गार्ड। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 120x80 का टायर साइज़ है, और 18 इंच के आप स्पोक रिम्स मिलते हैं। इसमें आप अलॉय भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। यहाँ पर आपको इस तरह के दो हुक मिलते हैं राइट टू लेफ्ट दोनों की तरफ, कि आप कुछ भी सामान इसमें लटका के ले जा सके ये आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको क्लासिक का स्टिकरिंग मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है फुटरेस्ट। इसका फुटरेस्ट मेटियोर से लिया हुआ है, जैसे इसमें देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लिखा हुआ भी है। पीछे की तरफ के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको जो टेललाइट मिलता है वो बल्ब में मिलता है, दो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भी बल्ब में मिलते हैं गाइस, और जैसे कि आपको राउंड शेप टेललाइट मिल जाता है इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सीट जो मिलता है वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक बैक रेस्ट जैसा ही मिल जाता है, इसे हम ग्रैब ग्रिल तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ एक बैक रेस्ट मिल जाता है कुछ भी पकड़ने के लिए। सीट बहुत कंफर्टेबल मिलती है, दो सीट मिलती है, स्प्लिट सीट मिलती है आपको। यहाँ पर सबसे अच्छा इसका टैंक लग रहा है देखने में, बहुत ही खूबसूरत क्रोम का वर्क हुआ हुआ है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का सिम्बॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक गार्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग टैंक का। तो गाइस, इसमें आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि आपको 41 का माइलेज देगी गाड़ी, तो वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे राइड करते हैं। इसमें आपको इको मोड भी मिलता है गाइस, तो अगर उस हिसाब से आप गाड़ी चलाएं तो बहुत ही अच्छा माइलेज आपको मिल सकता है गाइस। तो अब बात करते हैं इंजन के बारे में गाइस, तो इसमें आपको मिल जाता है 349.34 cc का इंजन, 4-स्ट्रोक, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों का ऑप्शन मिलता है, BS6 कंप्लाइंट मिलता है, BHP आपको 20.21 PS मिलती है गाइस, जो कि है 6100 RPM, मैक्सिमम टॉर्क आपको 27 Nm टॉर्क मिलता है जो कि आपको मिलता है 4000 RPM में गाइस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जॉस्ट इसका जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको डुअल चेसी का ऑप्शन मिलता है, तो आपको दो पाइप दिख रहे होंगे दोनों के। तो गाइस, अब बात करते हैं जो मेन जो इसमें चेंजेस हुआ है वो है इसका कंसोल मीटर, जो कि आपको मिलता है एनालॉग और डिजिटल में। यहाँ पर आपको मिल जाता है नेविगेशन मीटर लगाने का ऑप्शन, जो कि आप जब बाइक बुक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसे लगा के मंगा सकते हो। तो गाइस, दोनों में बैटरी नहीं है जिस वजह से मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो गाइस, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है वो एनालॉग में मिलता है, और ऑडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गियर्स, यहाँ पर आपको आई बटन का ऑप्शन मिलता है जिसे आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं 1 और 2। यहाँ पर आपको लाइट्स, इंडिकेटर्स, हॉर्न सब मिल जाते हैं गाइस। यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन जो कि वाटरप्रूफ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे आराम से पानी में भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर केबल लगा सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी चार्जिंग में। तो अब बात करते हैं इसके ऑल ओवर लेंथ, हाइट
और वेट के बारे में गाइस, तो इसमें आपको जो लेंथ मिलता है वो मिलता है 2145 mm का, वाइड आपको मिल जाता है 785 mm का, हाइट आपको मिल जाता है 1090 mm का, और इसका जो वेट है गाइस वो आपको मिल जाता है 195 kg का। तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड स्पेस के बारे में गाइस। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें डुअल स्टैंड और कटअप स्टैंड दोनों का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड स्पेस, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप इससे ऑफ रोडिंग भी हल्की फुल्की कर ही सकते हैं क्योंकि पावरफुल इंजन है, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको बाइक चलाने में। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट के बारे में गाइस, जो कि है इसका प्राइस। तो गाइस इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 218,450, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है गाइस। आपके सिटी में कुछ और होगा, हमारे गिरिडीह झारखंड में कुछ और है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपके सिटी में कितना ऑन रोड प्राइस चल रहा है इस बाइक का। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है हमारे सिटी गिरिडीह झारखंड में गाइस वो है 251,693। तो गाइस यही थी आज की फुल डिटेल रिव्यू, होपफुली वीडियो में मज़ा आएगा तो लाइक कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।